हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकर अज गढ़शंकर पुजे। इस मौके उन्हां दा कहना है कि पंजाब दे विकास दे लई भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। उन्हां दा कहना है कि पिछलियां सरकारां दे समय पंजाब विकास पक्षों पछड़िया है। पंजाब दे जिन्हां नौजवानों दीआं आधारणां मिलदियां सी ओह नशियां विच ग्रस्त हो रहे हन। उन्हां दा कहना है कि देश दा नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ तरक्की करेगा। अज ओह गढ़शंकर तो भाजपा की उम्मीदवार निमिषा मेहता के हक विच पुजे सन। उन्हां केंद्र सरकार दीआं लोक भलाई स्कीमां ते विकास कारजां दा हवाला दिंदे कहा है कि पंजाब विच भाजपा की सरकार बनन तों बाद गढ़शंकर हलके का वड्डी पद्धर ते विकास किया जाएगा। क्षेत्र में आज पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए जहां गया हूं, मैं इस बात को देख रहा हूं, जो जोश जो जुनून हम देख रहे हैं लोगों के बीच में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जहां गढ़शंकर में जिस प्रकार की सभा यहां की हुई है, निमिषा जी हमारी यहां पार्टी की प्रत्याशी है और बहुत जोरदार ढंग से उन्हें अपनी बात कही है इस क्षेत्र के विकास के लिए, और बहुत जोश है लोगों के बीच में और बहुत बड़े अंतर से इनकी जीत होने वाली है। सर आप कह रहे हैं लेकिन पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। देखिए, ये सारी बातों को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव का परिणाम आने दीजिए, सारी पंजाब में जीतेंगे हम, बस इतना बात कर रहे हैं। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलणा। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखने दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखने दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।